मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड में ऐसे चंद फिल्म मेकर हैं जो कमाई का मोह छोड़कर अपने मिजाज की ऐसी फिल्म बनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते जो उनकी अपनी कसौटी पर खरी उतरती है। शाहिद और सिटी लाइट जैसी फिल्में देने वाले हंसल मेहता एक बार फिर ऐसी ही लीक से हटकर फिल्म अलीगढ़ लेकर दर्शकों के बीच आए हैं। अलीगढ़ को बुसान फिल्म फेस्टिवल और लंदन फिल्म फेस्टिवल में जमकर सराहा गया है। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। प्रोफेसर डॉक्टर एस आर सिरस जिनका किरदार अदा किया है मनोज बाजपेयी ने, वो एक मराठी प्रोफेसर हैं। ये पूरी कहानी इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। प्रोफेसर सिरस पढ़ने और पढ़ाने के बाद दो पैग विस्की लगाने के बाद लता मंगेशकर के गाने और अपनी एक अलग तरह की यौन संतुष्टि के साथ ही संतुष्ट हैं। पर उनकी जिंदगी में भूचाल तब आता है जब दो रिपोर्टर जबरन उनके कमरे में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उनकी पर्सनल लाइफ को सरेआम कर देते हैं। इसके बाद कहानी में आते हैं कुछ ऐसे मोड़, कुछ ऐसे सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस फिल्म की कहानी को लिखा है अपूर्व असरानी ने और यकीन मानिए ये 2 घंटे की फिल्म आपको 2 मिनट के लिए भी सीट से उठने नहीं देगी। इस फिल्म को हंसल मेहता ने किसी कविता की तरह पर्दे पर उतारने की कोशिश की है और इसमें वो पूरी तरह कामयाब भी रहे हैं। फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, फिल्म में हंसल मेहता के डायरेक्शन की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसी ऑफ बीट फिल्मों में गीत संगीत की गुंजाइश जरा कम रहती है, पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसी फिल्मों में अहम होता है और इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दिलो दिमाग पर असर छोड़ता है। बात करें अगर फिल्म देखने या ना देखने की, तो आपको बता दें कि अगर आप ऑफ बीट और रियल लाइफ से जुड़ी घटनाओं पर बनी एक उम्दा फिल्म देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए है। इस फिल्म में ना मसाला है, ना एक्शन है, ना हीरो हीरोइन के बीच का रोमांस है, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको बोर नहीं होने देगी। फिल्म अलीगढ़ की इसी समीक्षा के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।